हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली नशीने फ्रॉम ब्रेनली प्रोग्रेसिव क्लास एंड दिस इज अवर लास्ट पार्ट ऑफ द टेंस। आज का हमारा टेंस का जो पार्ट है ये हमारा लास्ट टेंस है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ये टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एंड विल बी कंटिन्यूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड विल कंटिन्यूस इवन आफ्टर इट। यानी ये एक्शन ऐसे कि जो फ्यूचर में ये एक्शन, जैसे टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बिगिन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर के कुछ सर्टेन पॉइंट में ये पहले ही शुरू होगी और विल बी कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, और वो कंटिन्यू चलते रहेगी, वो एक्शन कंटिन्यू चलते ही रहेगी। ऐसे हमें जो एक्सप्रेस करना है कि जो फ्यूचर में कंटिन्यू चलते ही रहेगी एक्शन, जो शुरू हुई और वो चलते ही रहेगी, ऐसे अगर हमें कुछ सेंटेंस एक्सप्रेस करना है तो इसका स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर है हमारे इसका सब्जेक्ट। हमने जो सब्जेक्ट यूज किया है, सब्जेक्ट के आगे हमें लेना है शॉल और विल प्लस हैव बीन और वर्ब को आईएनजी यूज करके ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और हमें इसको निगेटिव करना है तो सब्जेक्ट प्लस शॉल नॉट और विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऐसे ये सब्जेक्ट सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर बनता है, शॉल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। और हमें अभी तुम्हें बताया है कि मैंने कि सब्जेक्ट के कौन से सब्जेक्ट के आगे हम शॉल यूज कर, आई और वी के आगे शॉल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, जो हमने वर्ड लिया था फर्स्ट सेंटेंस से, फर्स्ट टेंस से लेके तो लास्ट टेंस तक हमने राइटिंग अ लेटर, यही एक सेंटेंस को हमने आपको कैसे चेंजेस होते हैं बताया है, और इसका निगेटिव करना है तो शॉल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, राइटिंग ए लेटर। इस स्टेप से ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव एंड ये निगेटिव स्टेटमेंट बनता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट होके वो कंटिन्यू है, ये हमें एक्सप्रेस इस टेंस में कराना है। और अगर दूसरे जो हमारे सब्जेक्ट्स है ही, शी, यू, दे, थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के आगे विल का यूज होता है, हमने पहले भी बताया है विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, और निगेटिव करना है तो विल नॉट, या उसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वोंट, ऐसे लिख सकते हैं विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंसेस हमने देखे हैं, जो फ्यूचर में स्टार्ट होके वो एक्शन कंटिन्यू फ्यूचर में चल रही होगी, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर हमारे बनते हैं। तो ये हमारे हमने पूरे 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने मैंने आप पूरे टेंसेस को डिस्क्राइब किया है। तो ये हमारा टेंसेस का पार्ट आज यहीं ख़त्म हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।